हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए इंटरनेशनल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड के क्लास सेकेंड के सैंपल पेपर एंड सिलेबस लेकर आई हूँ। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड सिल्वर जोन ओलंपियाड के द्वारा लिया जाता है। तो चलिए, इसके सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। क्लास सेकेंड के लिए सिलेबस हो जाता है सीरीज, फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर एनालॉजी। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 2 आते हैं, मार्क्स 4 नंबर के हैं, टोटल मार्क्स 8 हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कोडिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं। अरेंजमेंट ऑड वन आउट रहता है, अरेंजमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हो गया एनालिटिकल, एनालिटिकल से हो जाता है रैंकिंग टेस्ट, एनालिटिकल से हो जाता है रैंकिंग टेस्ट जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें जियोमेट्रिकल सेफ हो जाते हैं, ग्रुपिंग एंड एम्बेडेड फिगर होते हैं जिससे जो है 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मनी टाइप एंड कैलेंडर मेजरमेंट यूनिट, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हो जाता है स्कॉलर जोन। स्कॉलर जोन में रीजनिंग चैप्टर से ही रीजनिंग के जो ये सिलेबस दिए गए हैं ऊपर में जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, उसी से हाई थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं, वही इस सिल्वर जोन ओलंपियाड में स्कॉलर जोन के नाम से जाने जाते हैं। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 25 और टोटल मार्क्स 100 के होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम 40 मिनट्स का रहता है। तो चलिए, इसके अब हम सैम्पल क्वेश्चन को देखते जाएंगे और उसको सॉल्व भी करते जाएंगे। चलिए, इसके हम सैंपल पेपर को देखते हैं। ये आपका ओलंपियाड, ओलंपियाड सिल्वर जोन फाउंडेशन ओलंपियाड के क्लास सेकेंड के इंटरनेशनल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड पेपर का नाम है। इसमें सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। इस मिसिंग नंबर में हमें समझना है कि किस प्रकार ये किया गया है। देखिए, 6 को एरो देकर 47 किया गया, 5 26, 7 50, तो 8 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 × 6 को हम करते हैं तो ये हो जाता है 36, और 36 प्लस 1 हो जाता है, यहाँ पर मल्टीपल करने के बाद प्लस 1 यहाँ हो गया तो 37 हो गया। इसी प्रकार 5 × 5 25 और प्लस 1 हमारा हो रहा है 26। नेक्स्ट इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाता है 7 × 7 49 और प्लस 1 करेंगे तो 50। इसी प्रकार इसमें हमारा हो जाएगा 8 × 8 8 जा हमारा हो जाता है 64 और प्लस 1 ये हमारा हो गया 65। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया जा रहा है रेड डब्बा एंड ये कोन जो है, इसको सिलेंडर से भी बोलते हैं, सिलेंडर प्लस कोन प्लस सिलेंडर इक्वल टू 22 दे रहा है। इसी प्रकार सिलेंडर प्लस कोन इक्वल टू कोन 23, तो फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू सिलेंडर, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारा जो है टोटल मिलाकर 22 हो रहा है जबकि ये सेम कोन है और टोटल नंबर 23 हो रहा है। इसको अगर हम 3 नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 8 प्लस 8, मान लेते हैं इसको हम ले लेते हैं 8 और इसको ले लेते हैं 8 और ये ले लेते हैं 7, तो ये हमारा हो जाता है 8 8 16 8 8 16 और प्लस ये हो गया 7 23, तो इसका मतलब इस सिलेंडर की वैल्यू हो गई 7। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर इन गिवन पैटर्न। इसमें पैटर्न हमें देखना है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो हम लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो 81 प्लस 100 और 100 प्लस 21, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 में प्लस 21 करेंगे तो 121 हो जाता है। इसी प्रकार जो है 81 में कितना प्लस करेंगे तो हम 100 ला सकते हैं, तो 81 में अगर हम 19 प्लस करते हैं तो ये 100 आ जाता है।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं 19 एंड 21 दो दो नंबर का डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम करके देखते हैं ये 19 हो गया, तो इस दोनों के बीच में हमारा हो गया 17 और ये हो गया 15, तो 49 प्लस 15 अगर हम करते हैं, सॉरी 49 प्लस 15 तो ये हमारा हो जाएगा 64, ये हमारा हो जाएगा 64, ठीक है। और 64 में अगर हम 17 प्लस करते हैं, 64 प्लस 17 तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 81, तो इसलिए यहाँ पर नंबर हमारा क्या हो गया 64, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन रेक्टेंगल, इसमें हम स्क्वायर काउंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर काउंट कर लेते हैं, सिंपल स्क्वायर पहले हम ले लेते हैं। चलिए ये हम देख लेते हैं, ये नंबर 1 स्क्वायर, ठीक, नंबर 2 स्क्वायर और ये नंबर 3 स्क्वायर, फिर ये हो जाता है 3 के बाद देखिए ये नंबर 4, 5, ये हो गया हमारा 6, ये 7 और फिर ये जो स्क्वायर है ये नंबर 8 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह देखिए इसको इस तरह किया गया है, त्रिकोण में किया गया है, ये स्क्वायर जो है इस तरह किया गया है। तो ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, इसमें हम इस तरह आपको दिखा देते हैं, ये हमारा ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन, ये 8 नंबर 8 स्क्वायर हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, 3 फिगर्स है, इसको फिर सेकंड में डिवाइड किया गया, फिर यानी इस फर्स्ट फिगर को जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है, फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला ये ऑप्शन हो गया और थर्ड में इसके अंदर जो ऑप्शन था उसको लिखा गया। इसी प्रकार इसमें पहले अंदर वाले ऑप्शन साथ में लिखे गए और फिर ये लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ बाहर डिवाइड किया गया, इसीलिए इसमें ये सेकेंड ऑप्शन किए गए और लास्ट में ये जो है यहाँ पर सर्कल हो जाएगा। तो चलिए इसके ऑप्शन हम देखते हैं, ये सर्कल कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो है ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या लेना है। तो चलिए पहले ये दोनों पैटर्न हम देखते हैं, ये बीच में 23 है और चारों तरफ नंबर है 3, 5, 7, 8, अगर इस सभी को हम प्लस करते हैं 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 7 23, यानी इन चारों को प्लस करके हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है फर्स्ट नंबर में। अब सेकेंड बॉक्स में देखते हैं 7 प्लस 2 9, 9 और 9 18 और 18 प्लस 8 26, तो इसमें भी हमारा ये चारों बॉक्स मिलकर बीच वाले नंबर प्राप्त हो रहे हैं ऐड करने पे। इसमें भी हम देख लेते हैं 8 और 9 17 और 17 15 प्लस 5 37, तो इसी प्रकार इस नंबर को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको हम बताते हैं कितना हम प्लस करेंगे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ये हम चारों नंबर को प्लस करते हैं 10 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 70, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ स्टार्ट फ्रॉम थर्सडे, अगर फर्स्ट डे थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, इफ द लास्ट डे ऑफ मंथ फ्राइडे, और महीना का लास्ट दिन जो है फ्राइडे है, तो टोटल नंबर ऑफ डे इन द मंथ क्या होगा। यहाँ पर इस तरह बच्चों हम करेंगे, चलिए इसको मैं करके आपको बताती हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, देखिए थर्सडे को एक तारीख है और पूरा वीक जो है
7 डे का होता है, तो 1 + 7 = 8, यानी अगला थर्सडे 8 तारीख को होगा। फिर 8 में 7 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट 15 तारीख को थर्सडे होगा। फिर 15 + 7 22 तारीख को थर्सडे रहेगा, एंड 22 + 7 29 को थर्सडे रहेगा। 29 को थर्सडे रहेगा तो 30 को फ्राइडे रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फ्राइडे देन द टोटल नंबर्स ऑफ मंथ। तो ये हमारा फ्राइडे है, तो लास्ट हमारा 30 महीने का दिन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ 1, 2, 3 थिंग्स दिए गए, इसका तो 47 ग्राम, फिर गॉगल्स प्लस 5 के सिक्के इसका टू 137 ग्राम, एंड ये 6 + pen इसका टू 55 ग्राम। तो गॉगल्स का हमको नंबर्स निकालना है कि कितने होंगे। तो पहले ये देख लेते हैं तीनों की फिगर्स जो हो रही है 97, और लास्ट में इन दोनों का गॉगल्स प्लस 37 ग्राम हो रहा है, एंड ये इसका टू 55 ग्राम। तो गॉगल्स हमको निकालना है, तो इन दोनों को इन दो तीनों में से माइनस कर देंगे, तो 97 माइनस 55 तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 44। और चलिए इसको मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये होगा। चलिए इसको हम इस प्रकार समझते हैं। देखिए ये छक्का सिक्का प्लस पेन की वैल्यू 97 हो रही है, और गॉगल्स प्लस सिक्के की वैल्यू 137 हो रही है। तो ये 3 चीज और ये दोनों चीज इसमें मैच हो रही, तो इसकी वैल्यू 97 है और इसकी 55। तो ये सिक्के की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सिक्के की वैल्यू हमारी हो जाएगी 97 माइनस 55। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिक्के की वैल्यू हो जाएगी 42। सिक्के की वैल्यू 42 हो गई। अब यहाँ गॉगल्स प्लस सिक्के की वैल्यू 137 है, तो गॉगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 137 माइनस 42 करेंगे, तो हमारी सिक्के की वैल्यू निकल जाएगी 137 माइनस 42। तो ये हम निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 में से 2 गया 5 और 13 में से 4 गया, ये हो जाता है 9। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी 95 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कम्स नेक्स्ट नंबर सीरीज गिवन बिलो। अब इस सीरीज को आप खुद सॉल्व करेंगे, अभी हमने बहुत सारे नंबर बता रखे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा नंबर आएगा, बच्चों आप इसे खुद सॉल्व करके हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर शो बिलो एंड देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 आप जरूर सॉल्व करके हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आंसर सही है गलत, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही सॉल्व किए हैं गलत। चलिए ऑब्जर्व द पिक्चर शोन बिलो एंड देन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसके द्वारा स्टेटमेंट सही दे रहा है गलत ये हमें बताना है। नंबर 1, देयर आर 5 मोर सर्कल देन द नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्कल काउंट कर लेंगे और रेक्टेंगल काउंट कर लेंगे, फिर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ग्रीन से हमने लाइनिंग की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा रेक्टेंगल ले रहे हैं। चलिए इसको हम काउंट करके आपको बता रहे हैं। ये रेक्टेंगल हमारा ये साइज लिया गया है, ये रेक्टेंगल हम ले रहे हैं 1, ये रेक्टेंगल ग्रीन कलर जो है ये रेक्टेंगल है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 हमारा रेक्टेंगल है, और सर्कल हमारा 14 काउंट करके आ रहा है, और ट्राइंगल हमारा 6 आ रहा है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, देयर आर 5 मोर सर्कल देन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स हमारे हैं 9 और
फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट हमको पढ़ना है. तो देयर आर 5 रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स गलत है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देयर आर 10 मोर सर्कल देन द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल. इसे आप खुद भी करके देखेंगे और हमें बताएंगे. तो आज के लिए इतना ही. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें. थैंक यू.